हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मोमोज तो आप सबको बहुत पसंद होंगे, लेकिन आज हम मोमोज नहीं, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज के साथ खाई जाने वाली चटनी। ये बहुत ही सिंपल बनती है और बहुत ही चटपटी मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। मोमोज़ की मज़ेदार चटपटी चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मिर्चें, यानी कि हमने यहाँ पे सूखी मिर्ची लेने हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिर्चें ले लिए हैं। अब इनके जो ऊपर का जो इसका पार्ट होता है वो हमने अलग कर देना है। इसका ऊपर का पार्ट अलग करने के बाद इसको हम एक साइड रखेंगे। अब हमने यहाँ पर लेना है टमाटर। ये हमने बिल्कुल फ्रेश टमाटर लिए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें इन्हें बॉयल करना है, इसके लिए हम इसे बीच से कट कर लेंगे और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो हमने अलग कर देना है। इसी तरह से हमें सारे टमाटर को बीच से कट करना है और इसका ऊपर का पार्ट जो है वो निकाल देना है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी और भी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। और आप लोग और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको वही रेसिपी शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे सारे टमाटोज के जो ऊपर का पार्ट है वो अलग कर दिया है और ये हमारे टमाटर रेडी हैं। इन्हें हम बॉयल करेंगे। अब तो बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसमें पानी डालेंगे और पानी को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। और जब पानी यहाँ पे हमारा 1 से 2 मिनट अच्छे से बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें ये सूखी मिर्ची ऐड कर देंगे। पहले हमें मिर्ची ऐड करना है, टमाटर हम थोड़ा रुक के ऐड करेंगे। जब 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा इसमें एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। और ये देखो थोड़ा सा बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम एक एक करके सारे टमाटर ऐड कर देंगे। और इसे हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट बॉयल करना है, क्योंकि ये टमाटर जो थे वो थोड़े से टाइट थे, मतलब थोड़े कड़े जो टमाटर होते हैं वो देर से बॉयल होते हैं और जो सॉफ्ट होते हैं वो जल्दी बॉयल होते हैं। तो इसे हमें 5 से 10 मिनट तक बॉयल करना है, क्योंकि हमें टमाटर की स्किन रिमूव करनी है। तो जब तक आपको इसमें अच्छे से बॉयल आता हुआ ना दिखाई दे तब तक इसे आप बॉयल करें। और ये आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको स्किन रिमूव होती दिखाई दे तो इसे निकाल लेना है। और यहाँ पर ये हम अच्छे से बॉयल हो चुका है तो हमने यहाँ पर फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम एक एक करके सारे टमाटर निकाल देंगे। यहाँ पर हमने ये सारे टमाटर मिर्चे निकाल लिए है, इसका जो पानी है वो भी हम यूज़ करेंगे तो इसे भी हम एक साइड रख देंगे। अब हमने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके बाद जो इसकी स्किन है वो एक एक करके रिमूव कर देंगे। और ये प्रोसेस आपको जब तक करना है जब तक सारे टमाटर की स्किन रिमूव ना हो जाए। जब सारे टमाटर की स्किन रिमूव हो जाएगी तो इसे हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हमने ब्लेंड करना है, तो हमने यहाँ पे इसे एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है। ये सारा मटेरियल इसमें डालने के बाद जो हमने पानी बॉयल किया था, जिसमें हमने टमाटर और मिर्ची बॉयल किए थे, उसी का पानी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 3 से 4 बारीक कटे हुए लहसुन लिए हैं। लहसुन को हमने अच्छी तरह से इसमें थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन होने देना है, तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक के कुक करेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया है टमाटर और हरी मिर्च का, वो लाल मिर्च का, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारा पेस्ट डालने के बाद इसे हमें चलाते हुए कुक करना है और इसे हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने डार्क सोया सॉस ऐड की है। उसके बाद हमने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट हमने कम ऐड किया है क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप ज़्यादा नमक ऐड कर देंगे तो ज़्यादा नमक हो आपकी चटनी में, नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप डार्क सोया सॉस ऐड कर रहे हैं तो नमक थोड़ा कम ही रखिएगा। और इसको इसी तरह से चलाते हुए हमें कुक करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको जितना भी इसको थिक रखना है, अगर आपको इसको थोड़ा सा और पतला करना है तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं।
आप इस पर वही पानी यूज़ कर सकते हैं जो आपने बॉयल में यूज़ किया था। इसके बाद ये एकदम रेडी हो गया है, तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी कंटेनर या जार में। आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक के अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे बना लीजिए और जब भी आप मोमोज़ बनाइए तब इसे आप इंजॉय कीजिए। और ये हमारी बहुत ही मज़े की मोमोज़ वाली चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे मोमोज़ के साथ सर्व कीजिए, आप इसकी रेसिपी सबके साथ शेयर कीजिए, बहुत ही मज़े की होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।